हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोगों का शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल बोल्ड आई मेकअप लुक, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। एंड ये जो मेकअप बेस मैंने किया है, अगर आपका मेकअप भी फट जाता है, काला पड़ जाता है, लंबे टाइम तक नहीं चलता है, केकी हो जाता है या फिर थोड़ी देर बाद फिर डल दिखने लग जाता है, तो ये सारी ट्रिक्स मैंने अपनी वीडियो में बता दिया है। आप जाके देखो एंड फॉलो करो सारी ट्रिक्स को। आपके जो भी मेकअप प्रोडक्ट में छोटी छोटी बारीकियाँ, जो मिस्टेक आप करते हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है आपका। जैसे कि मेरा अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, कैमरे में नहीं, मैं शीशे में भी देख रही हूँ, बहुत प्यारा मेकअप लग रहा है मुझे। तो आप इस तरीके से मेकअप कर सकते हो। तो चलिए आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आईब्रो कैसे फिल करनी चाहिए, आईब्रो के बाद कंसीलर कैसे अप्लाई करना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। तो यहाँ पे जो आई मेकअप है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हमको सिर्फ अपने आई लाइनर लुक पे करना है। तो हम यहाँ पे आई लाइनर स्टार्ट करेंगे। आई लाइनर लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने मेकअप आई बेस को रेडी कर लीजिएगा, उसके बाद ही आपको मेकअप करना होता है आई मेकअप। क्योंकि अगर आपने अपने आईज के ऊपर कंसीलर, फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट वगैरह नहीं लगाया है, तो जो आप कलर अप्लाई करोगे वो अच्छे से नहीं ब्लेंड हो पाएगा। एंड जब तक आपके डार्क एरिया हाइड नहीं होते हैं, तब तक आपका मेकअप का जो लुक होता है वो जैसा चाहिए वैसा हमको नहीं मिलता है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने अगर डार्क सर्कल है तो उनको हाइड करना है, मेकअप को बेस को अच्छे से बनाना है। बेस अच्छा होगा तभी कोई भी चीज़ अच्छी दिखेगी आपके मेकअप में। तो मैंने यहाँ पे बेस आपको मेरा दिख रहा होगा, बिल्कुल जूम करके देखिए एंड बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो चलिए ट्राई स्टार्ट करते हैं आई मेकअप कैसे करना है आपको। तो इस आई मेकअप लुक के लिए सबसे पहले हम लोग जेल आई लाइनर ले रहे हैं, इसको ब्रश के साथ अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करना है सारी चीज़ें अच्छे से देखिएगा तो समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे ब्रश में आई लाइनर ले लिया है एंड मिरर रखा है सामने। देखिए जो आईज का हमारा कट होता है, यहाँ से आपको एक बीम बनानी है। बीम को थोड़ा हम लोग लंबा बनाएंगे। पहले आपको इस तरीके से लेके जाना है और बहुत चौड़ा सा लगाना है इस लाइनर को आपको। तो इनर कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। आधी आईज को कवर करते हुए ये आई लाइनर लुक आपका बनाना है आपको। जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको बना सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस तरीके से मैं कर रही हूँ। विंग इधर उधर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मैनेज हो जाएगी ना। थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। आपको इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैसे ही फिर से मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से करना है।
जल्दबाजी मत कीजिएगा, बिल्कुल आराम आराम से जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। पेस्ट्री अगर आपकी भूली जाए है तो आपको ये वाली आइवे का फ्रूट जो है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। पूरा जितना हमारा क्रीच एरिया होता है उतना हमारे यहाँ पे कवर हो चुका है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। उससे पहले आपको इसको सेट करने की जरूरत है, नहीं तो जो आपका काजल है या फिर जेल आई लाइनर वाटर प्रूफ है तो अच्छा है, अगर वाटर प्रूफ नहीं है तो ये फैल भी सकता है। नो वाटर लाइन पर भी इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। देन थोड़ा सा आपको इधर कॉर्नर से भी ध्यान दे देना, इस तरीके से आपको लाइनर को अप्लाई करना है, देन ब्लेंड कर लेना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी अप्लाई करना है। इससे पहले हम लोग अपने मेकअप आई मेकअप का जो ये लुक है उसको सेट कर लेंगे। सेट करने के लिए आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हो। कॉम्पैक्ट पाउडर को अच्छे से ब्रश में लेना है, देन सेट कर लेना उसके लिए फैले नहीं। ये वाला ट्रिक आप अपने छोटे बच्चों को भी ट्राई कर सकते हो जिनको आप काजल लगाते हो। तब सर हम लोग देखते हैं हमारा काजल जो होता है बच्चों का वो फैल जाता है, या फिर हम बड़े लोग भी लगाते हैं तो फैल जाता है। तब इस तरीके से उसे सेट कर लोगे तो बिल्कुल भी फैलेगा नहीं, है ना। तो चलिए दूसरे आइज पर इसी तरीके से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरी आइज पे। दूसरी आइज पे अक्सर हमको दिक्कत आ जाती है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। जैसे हमने इस वाले आइज पे विंग बनाया था सेम उसी तरीके से लंबी विंग बना लेनी है। इस तरीके से जैसे हमने इस आइज पे किया धीरे धीरे करके वैसे ही आपको इधर भी अप्लाई करना है। ये वाला जो लुक है आपको गोल्ड लुक के लिए ही बना सकते हो, ये नॉर्मल लुक पे ये अच्छा नहीं लगेगा। लोअर टलाइन से भी करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप आगे की तरफ इधर थोड़ा सा फैल गया है, तो घबराए नहीं, बिल्कुल भी आराम से एकदम निकाल दीजिए। देन फिर से बना लीजिए विंग। ऑब्वियस सी बात है कि आप आईलाइनर निकालोगे तो आपका जो मेकअप है वो भी साथ के साथ निकलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं, बाद में हम लोग मैनेज कर लेंगे। कभी भी आप इस तरीके का बोल्ड लुक ट्राई कर रहे हो तो ब्लैक काजल बिल्कुल आप नहीं यूज करना है। ब्लैक काजल लगाओगे तो और ज़्यादा अजीब दिखेगा, इसलिए आपको हमेशा वाइट काजल अप्लाई करना है।
इस आई मेकअप लुक के लिए। अब आप देख सकते हैं इधर का विंग मेरा पतला है बट इधर का चौड़ा लग रहा है, तो इधर का भी हम लोग पतला कर लेंगे इस तरीके से, अभी परफेक्ट है। अब इस साइड के भी मेकअप को, आई मेकअप को सेट करेंगे ताकि ये फैले नहीं और ड्राई हो जाए। ओके, अब इसको थोड़ा और खूबसूरत दिखाने के लिए हम लोग नीचे जो भी हमारा अगर थोड़ा भी डार्क लगा हो तो उसको साफ कर लीजिएगा, अगर मेरे को तो लगा नहीं है लेकिन लगा हो तो आप साफ कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अपना व्हाइट काजल लेंगे, देन व्हाइट काजल को अप्लाई करेंगे। व्हाइट काजल अप्लाई करने से क्या होगा कि थोड़ा सा भयानक रूप जो होता है उससे हम लोग बच जाएंगे। अगर आप गोल्ड लुक ट्राई करोगे तो व्हाइट काजल अप्लाई कीजिएगा। व्हाइट काजल लगाने से हमारी आईज तो है वो बड़ी दिख रही है, तो अगर आपकी आई छोटी है तो भी आप व्हाइट काजल अप्लाई कीजिएगा। व्हाइट काजल जो है वो पिघल चुका है पूरा, मुझे नया लेना पड़ेगा बट अभी किसी से काम चला लेते हैं। तो मैंने व्हाइट काजल अप्लाई कर दिया है, देन अगर आपको लग रहा है कि आपको आईलाइनर की और ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप और यूज कर सकते हो, और नहीं है तो आप छोड़ दोगे। उसके बाद हमको करना क्या है, हमको लेना है यहाँ पे हाइलाइटर, और हाइलाइटर को आईब्रोज के जस्ट नीचे अप्लाई करेंगे दोनों साइड एंड आईज के भी जस्ट नीचे। इससे क्या होगा जितना भी हमारा डार्कनेस एरिया था वो कवर हो जाएगा। एंड अभी इसको हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर से, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर हो गए और इस तरीके से निकाल देंगे, इससे आपका मेकअप जो है वो दोबारा से फ्रेश हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे मस्कारा यूज़ करेंगे। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट 3D लैशेज वॉल्यूमराइजर मस्कारा। मस्कारा बिल्कुल लगाना है, छोड़ना नहीं है। मस्कारा लगाया जिन्हें हमारे आई मेकअप का लुक जो होता है वो जैसा चाहिए हमको वैसा नहीं आता। इसके बाद आप आई लाइनर भी अप्लाई कर सकते हो बट मैं नहीं लगा रही हूँ। मस्कारा लगाने के बाद थोड़ी देर ठंडाई होने के लिए छोड़ देना चाहिए इसको। लगा लिया मस्कारा एंड इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ेंगे। कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर वाला ग्लिटर ले रही हूँ, ब्लैक नहीं मैरून में आएगा थोड़ा ये, और ये जो मैंने आई मेकअप किया है इसके ऊपर पूरा इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी। इससे जो मेरा आई मेकअप है वो और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, बाकी आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये है फाइनल लुक आई मेकअप का, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा लग रहा है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैरून कलर का ग्लिटर अप्लाई कर दिया था आईज पे, जो कि इनके आईज पे ब्लैक कलर का है बस। बाकी और कोई डिफरेंट दिख रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
देखिएगा हुडी जाइज है तो आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी क्योंकि हुडी जाइज पे अक्सर लाइनर जो होती है वो अच्छे से नहीं लग पाती है, तो ये वाला बेस्ट रहेगा हुडी जाइज के लिए। तो आज की वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, अच्छी लगी हो। आई मेकअप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की इजी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।